हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोष यूट्यूब चैनल के न्यू वीडियो में। सो गाइज, आज है हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 4 और ये आज आपका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आज मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले आज इसमें हम देखेंगे कि हमने जो कल क्वेश्चन आपको दिया था, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी ऑप्शन। कैसे करना था, बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया और बिल्कुल सही दिया है। और गाइज, सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलो इसके आंसर के बारे में फिर मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, 0.051 0.051 0.051, मतलब तीन बार लिखा गया है और ये भी तीन बार लिखा गया है। मतलब ये ए क्यूब है और यहाँ पे प्लस है, ये बी क्यूब है, ठीक है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक, उसको ध्यान रखना है कि ए प्लस बी, उसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। तो ऊपर जो वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी जगह पे आप ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और यहाँ पे ए की वैल्यू है 0.051 और बी की वैल्यू है 0.041। तो देखिए, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये ए बी बन जाएगा माइनस ए बी और ये बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये पूरा कट जाएगा, ऊपर आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा ए प्लस बी और यही इसका आंसर हो जाएगा 0.051 0.041। ये हो जाएगा 2 और ये इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 0.092, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, और आप इसे करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, देखिए सीधा सीधा जो बोला गया वैसे वैसे करते जाइए। देखिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 49 है, 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 और देखिए 29 प्लस 7 करना है, ये हो जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट आपके पास हो जाएगा 6। फिर 19 प्लस 6 करना है तो ये आपके पास हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 11 प्लस 5 करना है और 11 प्लस 5 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4 और 5 प्लस 4 करेंगे 9, तो 9 का स्क्वायर रूट आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो यहां पे देखिए ए ऑप्शन दिया गया है यहां पे और ये आपका आंसर हो जाएगा 3 इज द आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, द वैल्यू ऑफ, इसको दिया गया है 75.8 का स्क्वायर और माइनस 55.8 का स्क्वायर और अपॉन 20 है, इसका आपको सोल्व करना है। देखिए, जब भी आपको लगे कि हाँ इस स्क्वायर को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप समझ लेना कोई ना कोई एलजेब्रा का फॉर्मूला यूज हुआ है। ऊपर क्या है, आपके देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू 75.8 है, बी की वैल्यू 55.8 है। अब नीचे आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि नीचे क्या है, तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे यहाँ पे ए माइनस बी है। अब देखिए ए की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए, इसको माइनस करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा ये 0 और 75 में से 55 आप माइनस करोगे तो नीचे 20 बच जाएगा। मतलब ए माइनस बी की वैल्यू नीचे दी गई है, ये है 20 और ऊपर आपको क्या बचेगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी जो था इससे ए माइनस बी यानी कि 20 से 20 तो कट जाएगा, ऊपर आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा ए प्लस बी। और जब आप इसको दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ऐड कर लीजिए 8 प्लस 8 6 हो जाएगा, उसके बाद में 5 5 प्लस 10 और प्लस 1 11 और 7 प्लस 5 12 12 प्लस 1 13, यानी कि ये आपके पास में आ जाएगा 131 प्लस 0.6, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने इसका आंसर भी दिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो देखिए आपको क्या बोल रहा है कि विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2203 सो दैट वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जिससे परिणाम एक स्क्वायर रूट हो जाए, ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर आप यहाँ पर मिल जाए, तो ये देखिए कैसे कौन सी संख्या जोड़नी है आपको। तो गाइज ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये एक्सपेक्टेशन लाना है कि हाँ ये किसके आसपास आएगा। जैसे अब मैं सपोज करूँ कि अगर मैं 25 का स्क्वायर करता तो 625 आता, मतलब ये तो 25 से बहुत दूर है। अब मैं 40 का स्क्वायर करता जैसे सपोज, तो ये हो जाता 1600, मतलब हाँ लगभग पास आ गए 2200 के। उसके बाद में अगर 50 का स्क्वायर करता तो ये 25 हो जाता, मतलब ये ज़्यादा चला गया। तो ये समझ लीजिए कि 50 के आसपास है, यहाँ 2500 है, यहाँ 2200 है, तो 50 के आसपास आप संख्याएं ले लीजिए। देखिए 45 तक तो बहुत कम हो जाएगा, तो लगभग आप यहाँ पे 46 47 48 इनका स्क्वायर करके देखिए और उसके बाद में उनके मान से आप जब मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो है 6 ऐड होना चाहिए और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 का स्क्वायर है ये 2203 और 6 ऐड कर देंगे आप इसमें तो ये हो जाएगा 22। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी इतना कैलकुलेटिव आपसे शायद नहीं भी पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो जरूर हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल गाइज, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछ सकता है। द नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 975 एंड 585।
अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको करवाता हूँ इसको कैसे करना है, और आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, 585 और ये आप मान लीजिए, या इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, सबसे पहले संख्या दी गई है 975, तो 975 और इसका स्क्वायर करना है और इसका डिफरेंस निकालना है, मतलब 975 का स्क्वायर माइनस 585 इसका स्क्वायर का डिफरेंस आपसे पूछा है, अंतर के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले तो कि आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस करेंगे, हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब आप इसमें लगाएंगे ए प्लस बी, तो सबसे पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, 5 + 5 आपके पास में हो जाएगा 10, 10 का मतलब 0, और उसके बाद में देखिए 7 + 8 = 15, 15 + 1 = 16, 6 हो जाएगा, और 9 + 5 = 14, 14 + 1 आपके पास में कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1560, और उसके बाद में देखिए यह आपको डिफरेंस जब आप निकालेंगे इनका, तो डिफरेंस आपके पास में हो जाएगा, निकालिए 5 - 5 हो जाएगा 0, 7 - 8 मतलब ये हो जाएगा आपके पास 17 - 8 यानी कि 9, और उसके बाद देखिए 8 - 5 यानी कि 3, यानी कि ये आपके पास में हो जाएगा। अब इसमें देखिए अब क्या कर रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इन दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर है, तो इसका वर्ग करना है मतलब स्क्वायर रूट करना है इस संख्या का। तो या तो आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए फिर स्क्वायर रूट ढूंढिए, लेकिन अगर आप इतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक संख्या लेना है जो दोनों में से कॉमन आती जाए। इसके लिए कैसे करेंगे कि आप देखिए जीरो दोनों में है तो एक जो है 10 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, ठीक है। उसके बाद देखिए 156 है और 39 है, लगभग ये देखिए 13 से कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए 13 + 39 हो जाएगा, और इसको 13 से काटेंगे तो 13 × 13 = 26, यहाँ पे 12 बज गया, मतलब एक 13 भी बाहर आ गया, क्योंकि दोनों संख्याओं से हमने बाहर निकाल लिया, 13 भी बाहर आ गया। उसके बाद देखिए 3 भी आ जाएगा, 3 बाहर आके यहाँ पे 3 एक बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 4, मतलब रूट में सिर्फ 4 बचाया। अब 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 6 और 13 × 6 = 78, 78 × 10 780 आपके पास आंसर। तो चलिए फिर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर आर 20 and 8 रेस्पेक्टिवली देन द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज, इनकी दो संख्या मान लीजिए कोई भी जैसे एक्स है और एक वाई है, इनका जो है सम है यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना है आपके पास में, वो है 20, और इनका जो बोल रहा है योग और अंतर यानी कि इनका डिफरेंस जो है वो है 8, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, दो इक्वेशन है आपके पास में, दो ही वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू जो आपके पास में हो जाएगी 28, ठीक है, या वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये जुड़ के 28 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखिए x प्लस वाई 20 है, तो y की वैल्यू जो आपके पास में आ जाएगी वो हो जाएगी 6, ठीक है। अब इन दोनों का स्क्वायर का पूछ रहा है वर्गमूल, ठीक है ना, तो इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो 14 और 6 इसका, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी वहाँ पे फिर से लगा देंगे, तो 14 + 6 आ जाएगा 20 और इंटू 14 - 6 आपके पास में हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 20 × 8 = 160 और ये आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई होप आपने ये भी सही से कर लिया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोला गया है कि 0.1 × 0.1 × 0.01 × 10⁻⁷ किसके बराबर होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, देखिए जो पॉइंट है उनको हटाते जाइए, 1 / 1 पॉइंट है तो 10, और फिर इसके बाद में देखिए 2 पॉइंट है तो 20 आ जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे फिर 20 है तो फिर 20 आ जाएगा, और इंटू 10⁷। अब नीचे देखो कितने जीरो हो गए, 2, 2, 4, 1, 5, नीचे 5 जीरो है, ऊपर 10⁷ होगी, नीचे 10⁵ होगी, तो ये 5 माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 10⁻², और इसका मतलब हो जाए, तो क्या समझे आप लोग कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 100 यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या बोला है, 3.25 × 3.20 - 3.20 × 3.05 / 0.064। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे आप अपने तरीके से कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहले 3.20 दोनों में से ऊपर की तरफ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 3.25 और माइनस हो जाएगा 3.05, ठीक है, और अपॉन में 0.064 है। तो देखिए यहाँ पे 3.20 आ गया कॉमन, तो यहाँ पे एक तो 3.20 इंटू, अब देखिए 3.25 - 3.05 करेंगे तो 0.20 बचेगा और नीचे बचेगा 0.064, ठीक है। अब देखिए
ऊपर जो है कितने जीरो हैं, ऊपर दो और दो चार, चार अक्सर पॉइंट के हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, देखिए दो तो ये हो गए और दो ये हो गए, चार पॉइंट है, नीचे तीन पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट जो है नीचे लगेगा और एक जीरो नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 320 गुणा 20 बटा 64 गुणा 10, ठीक है। अब काट लीजिए आप इसको, तो ये 10 ये कट जाएगा, उसके बाद देखिए 32 से ये कट जाएगा, 32 गुणा 64, यहाँ पे बचा 10 और ये 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपने ये भी आंसर सही दिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें आप देखेंगे कि 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर अपॉन में चार अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा के आपके पास नीचे संख्या दी गई, इसको सोल्व करना है, प्लस में 1 है, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी सेम, यहाँ पे भी लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 और यहाँ पे हो जाएगा 0.1 माइनस 0.01। तो देखिए इसको जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 0.11 और माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में ये बच जाएगा 0.09, ठीक है 0.09। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99 और कितने अक्षर छोड़ के पॉइंट, दो तो यहाँ पे हैं और दो ही यहाँ पे हैं, तो चार, तो चार अक्षर के लिए दो जीरो लगाएंगे, नीचे हो गया। अब नीचे देखो, नीचे क्या लिखा है 0.000 और 1, अब नीचे भी चार अक्षर छोड़ के पॉइंट है, मतलब पॉइंट पूरे हट गए, ऊपर बच गया 99, नीचे बच गया 1, ठीक है। तो 99 तो यहाँ से हो गया और प्लस में 1 और यहाँ पे दिया गया है, तो 99 प्लस 1 यानी कि 100 और ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ 0.5 × 5 और इसको सोल्व करना है, एक तरह से इक्वेशन दी गई है, देखिए मैं सोल्व करते चलता हूँ। 0.5 × 5 यानी कि 5 × 5 = 25 और एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा 0.25, ठीक है, प्लस 0.25 × 5 यानी कि 25 × 5 करेंगे 125, तीन अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है 0.125, प्लस 5 × 4 20 हो जाएगा और दो अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा, एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है, मतलब 2.0, प्लस यहाँ पे हो गया 5 × 175, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और तीन अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 35 × 37 375, ठीक है, तीन अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना। अब इनको सभी को ऐड कर लेना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0.500, यहाँ पे है 125, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो है, यहाँ पे 0.375, तो ये टोटल मिलके जो है आपके पास में एक बना लेगा, ठीक है, ये पूरा मिलके एक बनाएगा। और यहाँ पे देखिए दो ये रहा, दो और एक ये हो गया 3, 3 और 2 5, ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आ गया। और यहाँ पे जो आपके पास आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये देखिए ये वाला ए ऑप्शन, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एक और रह गया है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसको मार्किंग नहीं दिया गया है, तो ये छूट गया बीच में, इसको भी मैं करा देता हूँ। इसमें भी कुछ नहीं करना था, इस इक्वेशन को किसके बराबर है ये बताना था। देखो यहाँ पे 5 + 5, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बोर्ड मास रूल से सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 5, 5, 10, 15 और 20, 20/5, ऊपर बच गया 20/5 और नीचे आपके पास में है 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9। अब देखिए ये 3/3 है, 3/3 का मतलब हो गया 1, तो 9 + 1 = 10, यानी कि नीचे बच गया आपके पास में कितना, 10। अब इसको 5 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 4 और नीचे बच जाएगा 10, और इसको फिर काटेंगे तो 2, 2/5, और डी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी आपसे बन गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, और ये आपको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 200 सबसे पहले देखिए स्क्वायर रूट है यहाँ पे 225, इसका कितना हो जाएगा 15, ठीक है, 15 + 154 ये हो जाएगा आपके पास में 169 किसका होता है, 13 का, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 13। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 15 = 612 और प्लस के अंदर आपको करना है 13, ठीक है, और उसके बाद उसका क्यूब रूट करना है। तो देखिए 3 × 2 = 5, 1 × 1 = 2, 6 = 15, 625 आपके पास आ गया, और ये क्यूब रूट किसका होता है ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 15 = 625, ऐसा आपको जब भी क्यूब रूट निकालना हो तो सबसे पहले आप क्या करो, लास्ट के तीन जो नंबर है उनको अंडरलाइन करो और फिर देखो कि 5 किसका यूनिट डिजिट आता है जब आप किसी संख्या का क्यूब करते हैं। तो देखिए मैं 5 का क्यूब करता हूँ तो भी 5 का क्यूब आता है, तो 5 यूनिट डिजिट के रूप में आता है और कोई संख्या का नहीं आता, तो एक सिर्फ एक ही संख्या। उसके बाद देखो
यहाँ पे जो संख्या बची हुई है 15, ये किसके क्यूब रूट के आसपास है, या तो इक्वल हो या छोटी हो, बड़ी नहीं होनी चाहिए इससे। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 का क्यूब करता हूँ तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब करता हूँ तो 27, तो 27 तो 15 से ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आ रहा है, तो यहाँ पे जो संख्या होगी वो 2 होगी, यानी कि ये 25 है। तो आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, 25 बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपसे बन जाएगा आई होप। अब देखिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, ये है आपको क्यूब करना है और ये कोई खतरनाक सवाल है नहीं, इसमें भी सिर्फ आपको पॉइंटों का ध्यान रखना है। तो 125 का क्यूब देखिए इसने खुद ही बता दिया है एक तरह से, क्योंकि तीन ऑप्शन में देखेंगे 5 5 5 है, 125 का क्यूब रूट हो जाएगा 5, लेकिन कितने अक्षर छोड़ के, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 1 3 से 3 हटाने हैं, तो यहाँ पे 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाना है, 0.05, और यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपसे बन गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन गाइज, ये है 42 नंबर, और ये आप क्वेश्चन खुद करेंगे और ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए क्यूब रूट आपको ढूंढना है, 125 का भी बताया ही है, 8 का क्यूब रूट भी अभी बताया है, और 1000 का क्यूब रूट आपको पता होना चाहिए, बस इसको सब्सट्रैक्ट करके ऐड करके जो भी आंसर आए मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता देना। और ठीक है, तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी मुझे बता देना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और देखिए वो टॉपिक कमेंट मत करना जो मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख लो कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, उसके अलावा जो टॉपिक आपको पढ़ना वो कमेंट कर देना, और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करके और चैनल को बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। सी यू सून गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।